नमस्कार, दिस इज कपिलदेव शर्मा और द वेरी फर्स्ट टॉपिक नाउन से यहाँ से अपनी ग्रामर स्टार्ट करना चाहें। जैसा कि इंग्लिश में कई लैंग्वेजेस के शब्दों को ऐड किया गया है, नाउन शब्द भी इंग्लिश का खुद का नहीं है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन और यू कैन से अ फ्रेंच वर्ड नोमैन। तो नाउन शब्द पुराने शब्द नोमैन से लिया गया और चूंकि ये इंग्लिश के अल्फाबेट का पार्ट नहीं है तो इसमें एक ई के ऊपर अलग सा सिंबल लगता है। So the word noun is taken from the French or a Latin word nomen. हम स्कूल में पढ़ते हैं कि noun is a naming word, काफी है, और noun is a name of a person, place or thing, ठीक ठाक है, but competitive level पर या उससे थोड़ा ऊपर बढ़े तो noun को और further describe किया जा सकता है। Let's have a look. Noun को classify अगर करना चाहें parts बताने से पहले कि proper noun, common noun और collective noun जैसी चीजें होती हैं। एक अच्छे नजरिए से अगर नाउन को समझना हो तो ये तरीका बहुत बेहतर हो सकता है। नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। द वेरी फर्स्ट वन इज कॉन्क्रीट नाउन एंड द सेकंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एज आई से कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट हम अपने घर में भी मकान बनवाने के लिए यूज करते हैं, हिंदी शब्दों में शायद उसे गिट्टी कह देते हैं। कॉन्क्रीट का इंग्लिश में मतलब होता है ठोस। तो जितनी चीजों को हम सेंस कर सकते हैं, इंसान होने के नाते ईश्वर ने हमें 5 तरह के सेंस दिए हैं। कई चीजों को हम देखकर पहचान सकते हैं, 1, 2, 5, 15 चीजें हैं यहां पर, इनको मैंने देखकर पहचाना। खाने को हम देखकर नहीं बता सकते कि उसमें टेस्ट कैसा है, अच्छा है, बासा है, बढ़िया है, मीठा है या खट्टा है। इन चीजों को टेस्ट करके पहचाना जा सकता है। ये मैंने कल एक नया डियो खरीदा था, आप ना इसे देखकर बता सकते हैं ना ही टेस्ट करके, बट उसे हाँ जी स्मेल करके बताया जा सकता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। कई चीजों को देखकर, कई चीजों को छूकर, कई चीजों को टेस्ट करके, कई चीजों को स्मेल करके और कई चीजों को भाई ये तो माँ की आवाज है, अरे ये तो अरिजीत सिंह का गाना है, ये तो लता जी की आवाज है। इन जनरल जब हम ऑडियो कॉल करते हैं, आजकल वैसे टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, हम वीडियो कॉल पर लोगों को देख लेते हैं, बट इन जनरल जब हम किसी की आवाज सुनते हैं तो उस आवाज से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। अरिजीत सिंह को हमने लाइफ में कभी देखा तो नहीं शायद, लेकिन उनकी आवाज सुनकर पहचाना जाता है कि उन्हीं का सॉन्ग है। कई चीजों को देखकर, छूकर, सुनकर, टेस्ट करके और स्मेल करके बताया जा सकता है। दीज ऑल आर कॉल्ड आवर सेंसेस। ये हमारे सेंस हैं जिनसे कि हम चीजों को सेंस करते हैं। नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू कॉन्क्रीट नाउन, जैसा कि आपसे कहा, आप एक झलक में याद रख सकते हैं, जितनी भी चीजों को सेंस किया जा सकता है, या तो हम उन्हें छू सकते हैं, या टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, या सुन सकते हैं, उन सारी चीजों को नाउन कहा जाता है। आप जरा अपने स्कूल के सारे एग्जाम्पल रखकर देख लीजिए, आप पाएंगे कि सारी नाउन, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में आती है। इफ आई गिव एग्जाम्पल्स लाइक बॉय, हमने स्कूल से हमेशा इसे नाउन की कैटेगरी में रखा है, लेकिन आज एक बार मेरे कहने से देख लीजिए, बॉय को शायद देखा जा सकता है, मस्ट बी इन द कैटेगरी ऑफ नाउन। जब हमने कैट शब्द का इस्तेमाल किया, देखा जा सकता है, मस्ट बी इन द कैटेगरी ऑफ नाउन। ताजमहल बिल्कुल देखा जा सकता है, कैटेगरी ऑफ नाउन। मैं जरा एक शब्द लिखना चाहूं, मोबाइल फोन को भी हम देख सकते हैं, जरूर आप नाउन कहिएगा, यानी जितनी भी चीजों को देखा जा सकता है या छू सकते हैं, एक्सेट्रा, सेंस कर सकते हैं, वो सारी नाउन है। कभी फर्दर वीडियोस में हम देखेंगे कि मैं आपसे पूछूं कि जब एडवर्ब पढ़ रहे होंगे कि एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो हमें बहुत वक्त लगेगा सोचने में पता नहीं क्या है, लेकिन एक झलक में चूंकि इसे आंखों से देखा जा सकता है, मस्ट बी कैटेगराइज्ड एज अ नाउन। तो शायद आगे से हम ध्यान रखें, सेंस करने वाली सारी चीजों को नाउन कहा जाता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हर चीज को सेंस किया जा सके। कई चीजें ऐसी हैं जो नाउन की कैटेगरी में फिर भी आती हैं, लेकिन उन्हें हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। सम ऑफ देम, कल जो आपने उस गरीब पर दया दिखाई थी, काबिले तारीफ थी। अब जिस गरीब पर आपने दया दिखाई है, उस दया को देखा नहीं जा सकता, पिटी, हिंदी में दया कहते हैं, शायद हम इसे देख नहीं सकते। एक सेकेंड, जो सीआईडी वाले दया है वो देखे जा सकते हैं, वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में है, लेकिन जो गरीब पर दया दिखाई जा सकती है उसे हम देख नहीं सकते। जैसा कि शब्द है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है जिन चीजों को दिमाग की उपज से बनाया जा सकता है, जो सिर्फ आपकी सोच में हो सकती है, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है, या कहिए जो चीजें ठोस तौर पर नहीं है उन्हें एब्स्ट्रैक्ट कह दीजिएगा। तो जैसे इन शब्दों का मैंने यूज किया, ये सारी कॉन्क्रीट थी। कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें कि हम देख नहीं सकते, न छू सकते, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाता है। जैसे पिटी, दया, शायद हम देख नहीं सकते। मेरा एक दोस्त है, उसका भाग्य बहुत अच्छा है, जो भी काम करता है उसमें ईश्वर हमेशा उसे सक्सेस देता है। तो इफ आई से लक,
लक शायद देखा नहीं जा सकता, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, ना टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नाउन की कैटेगरी में है, इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखिएगा तो बेहतर होगा। अगर जनरली मैं कहना चाहूं कि भाई मुझे न्याय चाहिए, तो आप कहते कि पेन चाहिए तो मार्केट से जाकर खरीदा जा सकता है, देख सकते हैं या छू सकते हैं, सेंस कर सकते हैं इन शॉर्ट, लेकिन न्याय कहीं से देखा नहीं जा सकता, ना छू सकते ना सेंस कर सकते हैं। तो आफ्टर ऑल जनरल कॉन्सेप्शन, ये जस्ट बेसिक्स के तौर पर है। नेक्स्ट अभी थोड़ी देर से मैं आपको टाइप्स ऑफ नाउन बताना चाहूंगा, लेकिन हाँ शायद अगर नाउन को उस कैटेगरी में ना रखें कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, तो नाउन को इन दो तरीकों से बहुत इजीली समझा जा सकता है। भविष्य में कोई भी शब्द आपको टकराए और लगे कि ये नाउन है, तो एक बार चेक कीजिएगा, 80% नाउन कॉन्क्रीट नाउन की कैटेगरी में होती है। जनरली मैंने आपसे कहा जिन्हें सेंस किया जा सकता है उन्हें आप कॉन्क्रीट नाउन कहिए, और जिन्हें सेंस नहीं किया जा सकता उन्हें हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन किस तरह के हैं। वैसे हम जानते हैं कि 5 तरह के टाइप्स में नाउन को बांटा जाता है। लेट्स हैव अ लुक एट देम। जैसा कि आपसे अभी कहा कि नाउन कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, एक छोटा सा एग्जांपल और याद आता है इस बात को समझाने के लिए। माँ, जिसको इंग्लिश में मदर कहा जाता है, कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि माँ शब्द को कॉन्क्रीट कहना जायज है क्योंकि हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन माँ एब्स्ट्रैक्ट कहां से हो सकती है? तो ध्यान दें कि एक भाषा में कई शब्दों के कई मतलब होते हैं। जस्ट यहां से ही स्टार्ट करना चाहूं अगर आपको कंफ्यूजन है तो, जिस माँ से आप खाना मांगते हैं या कपड़ों की गुजारिश करते हैं, वो माँ देखी जा सकती है, उसके चरण छुए जा सकते हैं, उसे कॉन्क्रीट नाउन में रखा जाएगा। लेकिन माँ के अंदर की जो ममता है शायद उसे देखा नहीं जा सकता, उसी शब्द को भी माँ से ही दिखाया जाता है, मदर। तो मदर कैन बी कॉन्क्रीट इफ इट इज सीन। अगर उसे आप देखते हैं तो उस शब्द को आपको कॉन्क्रीट कहना होगा, लेकिन जब उससे रिफ्लेक्शन उसकी ममता पर आता है तो शायद जाकर वो एब्स्ट्रैक्ट कही जा सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैन कहने से इंसान नजर आता है, कॉन्क्रीट नाउन, लेकिन अगर उसके अंदर की इंसानियत की बात की जाए तो वही चीज एब्स्ट्रैक्ट कही जा सकती है, शायद ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट द टाइप्स ऑफ नाउन। आशा रखूंगा कि जाने से पहले आपको क्लैरिफाई बेहतर कर पाऊं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, लेकिन हाल फिलहाल जिन्हें ग्रामर ने डिफरेंशिएट किया है वो 5 तरह से की जा सकती है। द वेरी फर्स्ट वन प्रॉपर नाउन, सेकंड वन कॉमन नाउन, थर्ड वन मटेरियल नाउन, फोर्थ वन कलेक्टिव नाउन, और जैसा कि आखिरी आपने देखा था अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले के 4 कॉन्क्रीट के ही टाइप हैं, तो जरा एक अलग नजरिए से इनको देखें, शायद हमने ऐसे ना पढ़ा हो। मैं इन दोनों को पहले पिक करना चाहूं, प्रॉपर और कॉमन। जैसा कि उनका नाम सजेस्ट करता है, प्रॉपर निश्चित चीज को कहा जाता है जिसकी आइडेंटिटी अपने आप में यूनिक रहनी चाहिए, वो निश्चित है पहले से ही। और कॉमन रेफर्स टू कॉमन इन जनरल, यानी इन जनरल किसी भी चीज को कॉमन तौर पर, जो आम तौर पर अवेलेबल हो सकती है, उसे कॉमन कहा जाता है। मैं कुछ शब्दों को रखना चाहूंगा, आप पाएंगे कि जिन्हें कॉमन में रखा गया है लिटरली वो कॉमन ही है, आम तौर पर है, और जिन्हें प्रॉपर रखा गया है वो अपनी यूनिकनेस खुद दिखाते हैं। जरा देखते हैं, मैंने कहा कि कोई भी एक लड़का कल मुझे वहां घूमते हुए मिला, इफ आई से बॉय, तो बॉय शब्द से किसी एक यूनिकनेस का नजर नहीं आती, लेकिन हाँ हर कोई बॉय हो सकता है। आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम में से कुछ बॉयज देख रहे होंगे, मैं खुद हूं, और किसी को भी बॉय कहा जा सकता है। तो बॉय शब्द एक कॉमन टर्म रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन मान लीजिए मेरी तरफ से एक शब्द हो कि राहुल प्लीज यहां पर आइए, तो राहुल वहां पर किसी प्रॉपर टर्म को डिनोट कर सकता है। ध्यान दें, आपकी डाउट होनी चाहिए, नहीं है तो मैं आपको बोल दूं, राहुल शब्द भी कॉमन नाउन में आ सकता है। मैं शायद आगे आपको समझाऊंगा, अगर हम में से कोई सोचे कि राहुल नाम के भी तो बहुत से लड़के होते हैं, तो अभी एट अ ग्लैंस देखिएगा इन चीजों को, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स थोड़ी देर से खुद ब खुद आपके सामने आती रहेंगी। जनरली बॉय कहने से किसी यूनिकनेस की आइडेंटिटी नजर नहीं आती, कुछ भी चीज प्रॉपर नजर नहीं आती, एक कॉमन शब्द है जिससे किसी को भी संबोधित किया जा सकता है। लेकिन राहुल कहने से, क्लास में शायद ही एक आध राहुल हो, इस केस में राहुल एक डेफिनेट सेंस नजर आता है, आप उसे प्रॉपर कह दीजिए। मैंने कहा कि एक शहर है जिसमें ऐसा ऐसा होता है, अब पता नहीं कौन सा शहर है, बहुत सारे शहर है, लेकिन अगर मैं कहना चाहूं कि भाई दिल्ली में ऐसा होता है, इस केस में दिल्ली अपने आप में अपनी यूनिकनेस दिखाती है, आप उसे प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। मैंने कहा कि एक देश है जिसमें के ऐसा ऐसा होता है, तो इफ आई से कंट्री, कंट्री रेफर्स टू अ कॉमन टर्म इन जनरल, देश बहुत सारे हैं, कहां तक गिनिएगा और किसकी बात कर आप करना चाहते हैं। लेकिन वही मैं अगर आपसे कह दूं कि भारत में ऐसा होता है, इंडिया, तो इंडिया बिकम्स प्रॉपर नाउन बिकॉज अपनी आइडेंटिटी खुद रखती है, अपने आप में प्रॉपर है, कहिए यूनिक कही जा सकती है।
मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैं एक खिलाड़ी का बहुत बड़ा फैन हूं, प्लेयर, प्लेयर बहुत सारे होते हैं, हर खेल में प्लेयर होते हैं, आप किस प्लेयर की बात करना चाहते हैं? लेकिन हाँ, मैंने अगर आपसे कहा कि भाई मैं सहवाग का बहुत बड़ा फैन हूं, तो जब आप सहवाग शब्द की बात करेंगे, सहवाग अपने आप में प्रॉपर शब्द कहा जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जनरली मैंने नीचे जितने शब्द लिखे हैं ये सारे कॉमन टर्मिनोलॉजी को दिखाते हैं। मैं आपसे कह दूं कि इस दुकान से जाकर ले आइए, तो दुकानें बहुत सारी हैं, लेकिन अगर किसी प्रॉपर दुकान की बात की जाए तो वो चीज प्रॉपर नाउन में रखी जा सकती है। बॉय कॉमन टर्म है, राहुल उसकी आइडेंटिटी यूनिकनेस में दिखाता है, प्रॉपर है। दिल्ली एक निश्चित शब्द को दिखाता है, एक शहर को दिखा सकता है जो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में है। शहर कहने से आइडेंटिटी किसी की भी आ सकती है, कॉमन है, एंड सो ऑन। कंट्री बहुत सारी है, देश कॉमन शब्द है, इंडिया अपने आप में प्रॉपर नाउन है। प्लेयर कह दीजिएगा शायद एक कॉमन शब्द है, सहवाग सचिन कोहली कहने से उसकी यूनिकनेस और एक प्रॉपर आइडेंटिटी नजर आती है। मैं आपसे कहना चाहूं एक ग्रह है जो कि ऐसा ऐसा करता है जिस पर यह पाया जाता है, तो प्लैनेट शब्द कहने से कोई आइडेंटिटी नजर नहीं आती, हमारे ही सोलर सिस्टम में एक से ज्यादा प्लैनेट है। लेकिन अगर मैं अर्थ कहना चाहूं तो अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी नजर आती है। दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट प्रॉपर एंड कॉमन नाउंस। जरा नेक्स्ट वन की बात करना चाहें, मटेरियल, तो जैसा कि उसका नाम सजेस्ट करता है, जितनी भी चीजें मटेरियल रिफ्लेक्ट कर पाती है वो सारी की सारी मटेरियल है। जैसे मैं आपसे कहना चाहूं कि गोल्ड को अगर हम कहां रखना चाहेंगे, प्रॉपर या कॉमन, तो बेहतर होगा गोल्ड को ना प्रॉपर नाउन में रखें ना ही कॉमन नाउन में रखें, लेकिन गोल्ड एक तरह का मटेरियल है, इसीलिए उसे मटेरियल नाउन में रखना बेहतर होगा। सिमिलरली इफ आई से सिल्वर, तो शायद सिल्वर को भी आप मटेरियल नाउन कहिएगा, ज्यादा बेहतर है। शायद आप देखेंगे खुद के ही कॉमन सेंस से कि जितनी चीजें जो नाम रखती है वो खुद की आइडेंटिटी अपने आप में क्लियर रखती है। अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि भाई लकड़ी, तो वुड को कहां रखिएगा, लकड़ी भी शायद एक मटेरियल नाउन का हिस्सा रहेगी। अगर लोहे का जिक्र करना चाहे, आयरन, तो आप इसे प्रॉपर और कॉमन ना कहें, मटेरियल कह दीजिएगा, बेहतर रहेगा। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, कई चीजें जरूरत पड़ने पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट्स में आ सकती हैं। तो अभी ये जनरल कॉन्सेप्शन है, सेंटेंस आपको खुद बताएगा कि कौन सी चीज को कहां रखा जा सकता है। मैंने फिर से एक एग्जाम्पल लिखना चाहा कि क्लॉथ, कपड़ा, ध्यान दें ये सिले हुए कपड़ों के लिए नहीं है कि जैसे शर्ट और पैंट्स आप कहना चाहें, लेकिन कपड़े शब्द की यूज करना चाहेंगे तो वापस ये किसी मटेरियल का जिक्र करता है, इसीलिए बेहतर होगा इसे हम मटेरियल नाउन में रखें। नेक्स्ट पार्ट पर अगर पहुंचे, कलेक्टिव, तो ऐसा नहीं लगता कि किसी चीज का कलेक्शन दिखाना चाहता है। एक रफ एग्जाम्पल में मैंने फिर एक शब्द का यूज करना चाहा, स्टूडेंट, शायद आप इसे प्रॉपर नाउन स्टूडेंट इसी निश्चितता को नहीं दिखाता, लेकिन हाँ स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, सीखने के पर्पस से सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट शब्द को आप कॉमन नाउन में रखेंगे। मैंने जनरली लिखना चाहा कि एक स्टूडेंट था, तो शायद वो कॉमन नाउन में आ सकता है। ध्यान दें मैं कलेक्टिव के एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूं, मैंने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं पर पढ़ते हैं, तो इन सबको स्टूडेंट्स कहने से अच्छा होगा कि मैं इन सबके कलेक्शन को यानी कि ग्रुप को एक शब्द से दिखा दूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। शायद यहां पर क्लास शब्द को रखें तो कैसा होगा, एग्जैक्टली क्लास इनका कलेक्शन दिखाता है, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं, क्लास कही जा सकती है। अब क्लास को कहां रखूं, क्लास कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, क्लास कोई कॉमन नाउन नहीं है, क्लास से किसी मटेरियल का रिफ्लेक्शन नहीं आता, लेकिन हाँ ग्रुप और कलेक्शन जरूर नजर आता है, तो क्लास को इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जिस प्लेयर का मैंने ऊपर जिक्र किया, तो अकेले सहवाग टीम में नहीं खेलते थे, बहुत सारे प्लेयर्स थे, लेकिन जनरली जहां पर हम प्लेयर्स को जोड़ जाड़ कर एक साथ दिखाना चाहें, तो इन सारे प्लेयर्स की एक टीम कही जा सकती है। ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट अ टीम, टीम शब्द को आप रखिएगा, तो शायद द प्रॉपर कॉमन मटेरियल, इट मस्ट बी अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, इसीलिए इसे कलेक्टिव नाउन में लिखना बेहतर होगा। मैंने कहा कि जानवर वहां से गुजर रहे थे, एनिमल, तो एनिमल कहने से बहुत सारे जानवर नजर आ सकते हैं, आप इसका प्लूरल बना दीजिए एनिमल्स, लेकिन जरूरी है कि मैं कहूं कि बहुत सारे जानवर यहां से गए। कहा जा सकता है कि जानवरों का जो झुंड था, H-E-R-D, herd of animals, यहां से गुजरा, तो झुंड कह देने से उनका कलेक्शन नजर आता है, जबकि जानवर कहने से वो अपनी कॉमननेस जरूर दिखा सकते हैं। कुछ नए शब्दों को देखना चाहे तो इसी में रखा जा सकता है, पार्लियामेंट, हमें से शायद कम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट का इंग्लिश में एज अ कलेक्टिव नाउन मतलब क्या है। जी हाँ, आप कॉमन नाउन की तरह पार्लियामेंट जानते हैं, इसे संसद कहा जाता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्लियामेंट एज अ कलेक्टिव नाउन, शायद आप कहेंगे कि MPs को जोड़ दीजिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जोड़कर, जी नहीं, डिक्शनरी चेक कीजिएगा, पार्लियामेंट का अपना एक स्पेसिफिक मतलब है, अ ग्रुप ऑफ आउल्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट, उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट कहा जाता है। हंसी आई, आनी भी चाहिए,
क्या आप ये कहेंगे कि भाई जो देश चलाते हैं, जो संसद में बैठते हैं, पार्लियामेंट में, वो सारे उल्लू हैं? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। आगे कई जगह आप मुझसे पाएंगे कि हर चीज को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। काफी हद तक हम बना सकते हैं, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डिफरेंट कल्चर्स के अकॉर्डिंग लैंग्वेज में कई चीजें डिफरेंट होती है। वन ऑफ देम इज आओ। हिंदी में अगर हम किसी से उल्लू कहते हैं तो वो बुरा मान सकता है, उल्लू हो क्या, तो शायद उसे बुरा लगे इस बात का। इंग्लिश में जब आप किसी को उल्लू कहते हैं तो ये चीज पॉजिटिव नजर आती है। इंग्लिश में कहावत है दी ओल्ड वाइज आउल, मतलब कोई भी उल्लू जितना बूढ़ा हो जाता है उतना ही ज्यादा वाइज, बुद्धिमान माना जाता है। ये हिंदी की कहावत नहीं है, अंग्रेजी के अकॉर्डिंग है। तो ऐसी मान्यता वहां पर है कि जितना बूढ़ा उल्लू होगा उतना ही उसे वाइज माना जाता है। तो सोचिए जरा, जब फर्स्ट टाइम किसी देश को चलाने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया तो उनका कंपैरिजन, जैसे हम अपनी हिंदी भाषा में कंपेयर करते हैं कि वो गाय है लड़की, तो शायद उसे सीधा दिखाया जाता है, भाई आप तो बिल्कुल राम हैं, तो राम के कहने देने से वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। भाई हर घर में एक रावण है, तो रावण के कहने से हर बच्चे का नाम रावण नहीं रखा जाता, शायद वहां बुराइयों के प्रतीक का सिंबल आता है। ठीक उसी तरह उल्लू कहने से इंग्लिश में हम वाइज रिफ्लेक्शन देते हैं, और हम जानते हैं कि हमारे अभी पार्लियामेंट में यंग लोग कम होते हैं, सारे बूढ़े लोग जरूर होते हैं जिन पर एक्सपीरियंस होता है, और वो एक्सपीरियंस होने के बाद उतने ही ज्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में उन्हें कंपेयर किया गया उनके कल्चर के अकॉर्डिंग किसी और बुद्धिमान से, और चूंकि वहां आउल को उतना बुद्धिमान माना जाता है तो उल्लुओं के ग्रुप को जो पार्लियामेंट कहा जाता था, इसीलिए देश चलाने वाले उन ग्रुप को भी पार्लियामेंट ही कहा गया। आज जिसे हम संसद मानते हैं, माना वो एक कॉमन नाउन कही जा सकती है, लेकिन एज अ कलेक्टिव नाउन, डिक्शनरी देखिए जरा, आज भी ग्रुप ऑफ आउल्स इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट। इन द सेम फॉर्मुलेशन एक और शब्द शायद आपके लिए नया रहे, इफ वी टॉक अबाउट स्कूल, तो हम में से शायद कम लोग जानते होंगे, जो हम जानते हैं वो कॉमन है, स्कूल मतलब विद्यालय, जहां पर हम विद्या पाने के लिए जाते हैं उसे स्कूल कहा जाता है, लेकिन वो फिर कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता, कॉमन नाउन होना चाहिए। स्कूल घर घर है, बहुत सारे स्कूल्स अवेलेबल है, कलेक्शन किस बात का? अगर आप कहते हैं कि वहां स्टूडेंट्स होते हैं कलेक्टेड, तो माय डियर स्टूडेंट्स के कलेक्शन को क्लास कहा जाता है, फिर हम स्कूल किसके कलेक्शन को कहें, तो शायद हमें ना पता हो, स्कूल इज अ कलेक्शन ऑफ फिश। जी हाँ, आपने सही सुना, एक बार आपको अगर डाउट है तो वेरीफाई कर सकते हैं, स्कूल इज अ कलेक्शन ऑफ फिश। अगर अपने परसेप्शन से समझाना चाहूं तो स्कूल को कलेक्शन ऑफ फिश ऐसे कहा जा सकता है कि एक नॉर्मल मछली जब पैदा होती है तो उसको नदी या तालाब में घूमते रहना है, लेकिन कभी हमने देखा हो, हमने हमारे माँ बाप के साथ हम कभी किसी तालाब के किनारे गए हो, तो वहां पर जब हम आटा डालते हैं तो कुछ मछलियां वहां कुछ पाने के उद्देश्य से इकट्ठी हो जाती है। सेम फैशन हमारे साथ भी है, जब बच्चा पैदा होता है तो जरूरी नहीं कि उसे स्कूल भेजा जाए, लेकिन हाँ, जो मछली कुछ पाने के उद्देश्य से अपने फ्लो छोड़कर वहां पर आई थी उस ग्रुप को स्कूल कहा गया। मछलियों को झुंड को वहां स्कूल कहा जाता है जहां वो कुछ पाने के लिए आती हैं, जैसे हम जब उन्हें दाना डालते हैं, आटा डालते हैं। इन द सेम फॉर्मुलेशन एक बच्चा भी स्कूल भेजा जाता है कुछ पाने के उद्देश्य से, जैसे उसका हिंदी शब्द है विद्यालय, जहां पर हम उसे विद्या पाने के उद्देश्य से भेजते हैं। इन द सेम फॉर्मुलेशन स्कूल इज अ ग्रुप ऑफ फिश। कांग्रेस शब्द हम जानते हैं, एक जमाने में, पहले, आज नहीं होता, बट गूगल पर आज भी उसके रिजल्ट्स हैं। कांग्रेस का मतलब हुआ करता था बबून्स, अ ग्रुप ऑफ बबून्स वाज कॉल्ड कांग्रेस। हमने शायद देखा होगा चिंपांजी एक जानवर होता है, हमने देखा है कि बंदर एक जानवर होते हैं, भाई लंगूर भी किसी तरह का जानवर है, लेकिन हॉलीवुड मूवीज में जिन्हें हम देखते हैं उसी शक्ल के, जो बड़े खूंखार होते हैं, उन्हें बबून्स कहा जाता है, और फॉर्मल पार्ट में बबून्स के ग्रुप को कांग्रेस कहा जाता था। आज नहीं होता तो मैं आपसे मेंशन करना नहीं चाहूंगा। जरा वापस देखिएगा, तो मैंने क्लास कहना चाहा, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ समथिंग, स्टूडेंट्स कह दीजिएगा, कलेक्टिव नाउन। जब हम टीम की बात करते हैं तो एक इंसान टीम नहीं बनाता, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, इसीलिए उसे कलेक्टिव कहा गया। जब जानवरों के झुंड की बात करते हैं, हर्ड जो झुंड शब्द है उसे कलेक्टिव नाउन में रखना बेहतर होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट पार्लियामेंट, इट इज एक ओल्ड प्रोवर्ब के अकॉर्डिंग इंग्लिश में ओल्ड वाइज आउल, जो उल्लू जितना बूढ़ा है उतना ही बुद्धिमान माना जाता है, इसीलिए उसे पार्लियामेंट कह दिया जाता है, कंपैरिजन उसी से किया गया। और स्कूल इज अ ग्रुप ऑफ फिश, तो जब हम किसी के ग्रुप और कलेक्शन की बात करते हैं, वहां पर उस नाम को शायद कलेक्टिव कह दीजिएगा, बेहतर होगा। और आखिरी में, जैसा कि आपने अभी देखा था, जिन चीजों को सेंस नहीं किया जा सकता उन्हें हमेशा एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो जनरली मैं वही एग्जांपल्स वापस आपको रिपीट करना चाहूं कि किसी पर जब हम दया दिखाते हैं तो शायद वो दया आंखों से नहीं देखी जा सकती, ना उसे छू सकते हैं, मस्ट बी इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
जब हम कहते हैं कि भाई आपके अंदर गुस्सा है, तो गुस्सा शायद आंखों से नहीं दिखता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। मुझे एक सलाह चाहिए, हिंदी के अनुसार मैं कह पाया कि एक सलाह, इंग्लिश में आप जानते होंगे या वक्त आने पर हम पढ़ेंगे, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन मुझे पेन चाहिए, पेन आप ले सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन। लेकिन अगर आपसे सलाह चाहिए होगी तो सलाह आंखों से नहीं देखी जा सकती, ना छू सकते, ना टच कर सकते, ना ही सेंस कर सकते, मस्ट बी इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली जैसा आपसे कहा कि जस्टिस, न्याय की बात करना चाहे, किसी के भाग्य की बात करना चाहे, लक, इन चीजों को देखा नहीं जा सकता, ना छू सकते हैं, लेकिन हाँ इनको दिमाग की उपज से बनाया जा सकता है। इन सारी चीजों को हमेशा एब्स्ट्रैक्ट कहिएगा। मैं वापस रिवाइज करूं एक बार जल्दी से कि प्रॉपर नाउन अपनी यूनिकनेस दिखाती है। राहुल, गोवा कहने से एक यूनिकनेस नजर आती है, उस चीज को प्रॉपर कैटेगरी में रखें। लेकिन एक शहर कह देने से, एक ग्रह कहने से, एक लड़का या लड़की कहने से कॉमन शब्द नजर आते हैं, इन्हें आप कॉमन नाउन में रखिएगा। जब आप किसी मटेरियल को रिफ्लेक्ट करते हैं, पेपर, कागज, कागज की बात करिएगा तो प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव कहीं नहीं आ सकता, कागज एक तरह का मटेरियल है, जी हाँ, इसीलिए उसे मटेरियल नाउन में लिखना बेहतर होगा। When we talk about a collection of something, किसी भी चीज को जब जोड़ जाड़ कर उनका ग्रुप दिखाया जाता है, जैसे टीम है, जैसे कि हर्ड है, जैसे फ्लीट ऑफ शिप कहा जाता है, इन सब चीजों को कलेक्शन के नाते कलेक्टिव कह दीजिए, और जिन्हें सेंस नहीं किया जा सकता वो सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। इन्हें याद रखने के लिए ऐसे भी याद रखा जाता है कि जब रोड चलते हुए मुझे कोई इंसान मिला, या बीइंग अ टीचर मैं कह सकता हूं कि जब कोई मेरे पास इंक्वायरी के लिए आया कि भाई मुझे बैच ज्वाइन करना है, तो वहां पर जब मैंने उसे फर्स्ट ग्लैंस में देख पाया, देखने से ही कैटेगराइज हो गया कि आप इंसान है, यानी कि आप कॉन्क्रीट नाउन में रखे जा सकते हैं। आपका कोई नाम भी होगा, वो चीज प्रॉपर नाउन में रखी जा सकती है। चूंकि आप नए हैं, मैं आपका नाम नहीं जानता, तो लड़का कहना या लड़की कहना, या इन जनरल आपको स्टूडेंट कह देना, जी हाँ, एक कॉमन शब्द है। आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, आपका बैग बहुत प्यारा है, ये रजिस्टर आप बहुत अच्छा लेकर आए हैं, ये चीज मटेरियल कही जा सकती है। और कई बार लोग अकेले आते हैं, कुछ लोग अपने ग्रुप के साथ आते हैं, तो ये चार पांच लोग हमेशा साथ में ही बैठते हैं, ये उनका कलेक्शन कहा जाता है। और आपका इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज मैं देख नहीं सकता, मस्ट बी इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जैसा आपको अभी तक बताया कि जनरली नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इट मे बी कॉन्क्रीट, इट मे बी एब्स्ट्रैक्ट। एंड सिमिलरली टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो ये पांच तरह से क्लासिफाई की जा सकती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे देखते हैं कि नाउन में फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर नाउन क्या रूल्स और रेगुलेशंस रखती हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ क्या खास बातें हैं, नाउन इन नंबर, नाउन इन जेंडर। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।